मीरूब और मुर्तसिम के दरमियान छिड़ने लगी है फिर से एक जंग। मीरूब की गलती की वजह से मुर्तसिम मरते मरते बचा है। मीरूब और मुर्तसिम के दरमियान फिर से पैदा हुई गलतफहमियां। पहले मुर्तसिम मीरूब की नफरत में जलता था, अब मीरूब मुर्तसिम की नफरत में जलेगी। तो चलिए करते हैं एपिसोड 17 का सुपर रिव्यू। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मुर्तसिम के साथ इतना कुछ होने के बाद अब मुर्तसिम मीरूब की एक नहीं सुनेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि शायद मीरूब उसको मरवाना चाहती थी और अगर बख्तू ना होता तो मुर्तसिम मर चुका होता। दूसरी तरफ मालिकों की तरफ से भेजी गई इज्जत के बदले इज्जत वाली लड़की की मुखालफत करेगी मीरूब, लेकिन मुर्तसिम मीरूब की अब कोई भी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले मुर्तसिम को मीरूब से मोहब्बत हो चुकी थी, इसलिए मुर्तसिम ने मीरूब की बनाई हुई मछली भी खाई और माँ बेगम के सामने उसे प्रोटेक्ट भी किया। मीरूब और मुर्तसिम के दरमियान छिड़ने वाली जंग के अलावा इस कहानी में आया एक और ट्विस्ट। मीरूब का कॉलेज फ्रेंड मीरूब की मोहब्बत का दावेदार बनकर आएगा मीरूब के पास। अब देखना यह है कि मुर्तसिम उसके साथ क्या करता है, या मीरूब उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको पाकिस्तानी ड्रामास और शोबीज के दरमियान अपडेट्स मिलती रहें।